यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और कालांतर में उनकी डेथ हुई, उसके बारे में जो घटनाक्रम हुआ वो आपके सामने है। क्योंकि इसमें जिला चिकित्सालय के रोल पर कारागार के स्तर पे भी ये कुछ आरोप लगे थे लापरवाही के या शामिल होने के, तो इसलिए इसमें दो पृथक जांचें और कराई गईं। एक डीआईजी प्रिजन श्री लव कुमार, उनको भी भेजा गया। इससे पहले जेल सुपरिंटेंडेंट से एक रिपोर्ट ली गई थी और डीआईजी प्रिजन ने अपनी रिपोर्ट कल शासन को सबमिट करी। एक जिलाधिकारी उन्नाव से अपेक्षा की गई थी कि हॉस्पिटल का इसमें क्या रोल है, उसके बारे में भी एक कमेटी गठित करा करके छानबीन करा लें। तो सीएमओ की अध्यक्षता में, जिसमें दो एसीएमओज भी थे, कमेटी ने जांच करी और जांच के बाद में जो मृतक है उसके जेल में दाखिले से पहले चिकित्सालय में जो उसको उपचार दिया गया या जेल में भर्ती के बाद में जब जेल ने रेफर किया उसको चिकित्सालय में, उस समय जो उसको ट्रीटमेंट दी गई उसके बारे में विस्तार से छानबीन डीआईजी की रिपोर्ट में भी हुई और जिलाधिकारी द्वारा जो कमेटी गठित हुई मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में, उसने भी विस्तृत जांच करी। उस दोनों में ही ये पाया गया कि जो समुचित चिकित्सीय परीक्षण जेल में दाखिले से पहले होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और जो जेल में जब दाखिल होने के बाद में उसको जिला चिकित्सालय के, जब उसको जेल के चिकित्सालय में भर्ती किया गया और वहाँ से उसको फिर जब रेफरल किया गया जिला चिकित्सालय में, रेफरल करते समय जेल ने स्पेसिफिकली ये कहा था कि इसको, चूंकि इसकी अंदरूनी चोटें प्रतीत हो रही हैं इसलिए इसको जिला चिकित्सालय में भर्ती करके उपचार कराया जाए, उसके बावजूद भी उसको वापस जेल में भेज दिया गया। इसके आधार पर चिकित्सकों की लापरवाही परिलक्षित हुई, जिसमें जिला चिकित्सालय के सीएमएस, एक जो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर था प्रशांत उपाध्याय, इन दो के निलंबन के लिए कार्रवाई की जा रही है, और तीन अन्य डॉक्टर जिन्होंने एग्जामिन किया था और जिनको भी चोटों के बारे में और उसकी दशा के बारे में सही आकलन करना चाहिए था, उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की गई है। इसमें पूरे तथ्यों के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि 4 जून की मुकदमा पंजीकृत करते हुए इसकी विवेचना सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाए, अग्रेतर कार्यवाही सीबीआई साक्षियों को कलेक्ट करके उसके आधार पर करेगी। जो बाकी दो मुकदमे 3 अप्रैल की घटना के बारे में हैं, वो भी चूंकि कनेक्टेड हैं इसलिए उनको भी विवेचना के लिए सीबीआई को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया है। पीड़िता के परिवार की सुरक्षा की चिंता को दृष्टिगत रखते हुए उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने का निर्णय लिया गया है। एसआईटी जो गठित है वो अपना कार्यवाही कर रही है। तो ये कार्यवाही, ये निर्णय उन्नाव की घटना के बारे में किए गए हैं। कोई प्रश्न? जैसा कि आपको बताया गया, हम लोगों ने
जो माननीय विधायक के विरुद्ध जो बलात्कार का आरोप लगाया गया है, जो चार्ज एक्यूज को भी सम्मान अगर दे रहे हैं आप विधायक होने के कारण, तो मैं समझता हूं कि कोई नहीं, अभी दोषी नहीं करार किए गए हैं। वो एक आरोप लगाया है और उस आरोप की जांच, उसकी विवेचना हमने सीबीआई को दे दिया है और सीबीआई अब उसको गुण दोष के आधार पर निर्णय लेगी कि उसे उनको गिरफ्तार करना है या नहीं करना है। एक सेकंड। हाँ, मैं नहीं समझा आपके प्रश्न को। नहीं, मुकदमा दर्ज करके हमने उस मुकदमे की विवेचना को सीबीआई को हैंड ओवर किया है। हमेशा ये प्रक्रिया देखिए, आज ये रेफरेंस जाएगा, रात में निर्णय हुआ है, आज ये रेफरेंस हम भारत सरकार को भेजेंगे। उनकी अपनी प्रक्रिया है, उसके हिसाब से सीबीआई इस केस को टेक ओवर करेगी। मैंने जैसा बताया कि आरोप के आधार पर फिलहाल ये मुकदमा दर्ज किया गया है, इसमें अभी समुचित साक्ष्य संकलन अब सीबीआई के द्वारा किया जाएगा। अगर इसमें एडिक्वेट एविडेंस अवेलेबल होता है तो अग्रेतर निर्णय इसमें सीबीआई के द्वारा लिया जाएगा। देखिए, नॉर्मली इसमें यही प्रक्रिया रहती है कि जब तक सीबीआई टेक ओवर नहीं करती तब तक विवेचना स्थानीय स्तर पर जारी रहती है। तो मैंने बता दिया, जो इसमें प्रोविजन है वो यही है कि सीबीआई के टेक ओवर करने तक विवेचना जहां पे दर्ज है वो स्थानीय तौर पे वो प्रचलित रहती है, साक्ष्य संकलन की कार्यवाही जारी रहेगी जब तक कि सीबीआई इसको टेक ओवर नहीं कर लेती। इस बीच में एडिक्वेट साक्ष्य अगर मिलेंगे तो अग्रेतर निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट। यस, नहीं, देखिए इसमें आई एम नॉट डिफेंडिंग, आई एम नॉट एट ऑल डिफेंडिंग, प्लीज प्लीज प्लीज, ऑल दैट आई सेड वाज दैट ही इज एन अक्यूज्ड, ही इज एन अक्यूज्ड, ही हैजंट बीन कन्विक्टेड, ही इज एन अक्यूज्ड एंड आई एम नॉट डिफेंडिंग, माइंड इट, आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन, ही स्टैंड्स एज एन अक्यूज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड ही विल, एवरीबॉडी इज अ फ्री मैन अनलेस ही इज कन्विक्टेड और अरेस्टेड, his case has been registered against him and now the CBI will decide whether gun dosh ke aadhar pe kya usko karna hai. Dekhiye ek cheez, ek minute, just hold on, let me reply. Jaisa maine sequence of events isliye aapke samne pesh kiya tha ki 4 june ki ghatna ka ullekh jab magistrate ke samne bayan kiya tha peedita ne us samay nahi kiya gaya tha. This is a discrepancy. Ab एसआईटी ने जब उसका बयान लिया है और उसके रिलेटिव्स का लिया है तो उसका ये कहना है कि मैं डरी हुई थी, मैंने इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने उस समय बयान नहीं दिया। इस चीज का संज्ञान लेकर के अभी फिलहाल एफआईआर दर्ज कराई गई है, अब इसमें फर्दर एविडेंस कलेक्ट कराया जाएगा, विधायक जी का पक्ष भी देखा जाएगा उसमें, अगर पर्याप्त एविडेंस मिलता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। शासन की कोई मंशा किसी को बचाने की नहीं है, हम इसमें पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, आप भी सभी चाहते हैं, इसीलिए इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया है कि जिससे कि इसका पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन एक थर्ड एजेंसी के द्वारा हो सके और निष्पक्ष हो सके, निष्पक्ष साक्ष्य संकलन हो सके। मैंने बताया साक्ष्य संकलन तब तक यहां पे चलेगा, अगर साक्ष्य मिलेंगे और फर्दर तो अग्रेतर कार्रवाई होगी।
देखिए इसीलिए ये भी निर्णय है कि पीड़िता के परिवार को सुरक्षा दी जाए, जिससे कि वो कोई भय उनको महसूस ना हो और वो सही अपना, उसके बाद सीबीआई को वैसे भी ट्रांसफर होगा जाएगा जो भी टाइम उसमें लगेगा, तो वो बिना भय के अपनी बात रख सकें, इसलिए उनको सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया। वन मोर क्वेश्चन, जस्ट वन मोर क्वेश्चन। मिस्टर कमाल खान जी बताएं, जस्ट अ मोमेंट। हाँ बताएं मिस्टर कमाल खान। एक आपने पूछने तो एक, हाँ बोलिए। देखिए देखिए जहां तक उन्नाव पुलिस के की भूमिका का संबंध है, आप सभी जानते हैं कि हमने एसआईटी गठित कर दिया है। एसआईटी में कल एडीजी लखनऊ जोन वहां गए, उन्होंने एक प्रथम दृष्टया एक कार्रवाई की और जितने भी हमारी वहां पे साक्ष्य संकलन का काम है, जब तक सीबीआई टेक ओवर नहीं कर लेती है तब तक एसआईटी उनकी चीजों को देखेगी, उनको कलेक्ट करेगी, उन एविडेंसेस को कलेक्ट करेगी। द मोमेंट वी सेंड द रिपोर्ट एंड द सीबीआई टेक्स ओवर द केस, उसके बाद सीबीआई अपने गुण दोष के आधार पे जो भी उनके पास साक्ष्य होगा उस आधार पे विधायक के विरुद्ध कार्रवाई करेगी, चाहे वो अरेस्ट हो चाहे कोई भी चीज हो। लेकिन उसके लिए इंडिपेंडेंट एजेंसी हमने बना लिया है, एसआईटी का गठन किया गया है जो क्लोजर सुपरविजन एडीजी लखनऊ जोन के अंतर्गत कर रही है, तो इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं है कि हमारी भूमिका में कोई सब...